3, 2, 1. ओ भाई ये अतीशे भाई का लॉन्च हो आ गई भाई वो नहीं 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 अरे अतीशे भाई ओ भाई वैस आ गया आज भाई एक और ड्रैग के साथ आपके सामने। फ्रेम में आपको एक तरफ महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन दिख रही होगी, दूसरी तरफ भाई होंडा की BRV। भाई स्कॉर्पियो एन जो है आपको पता लग गया होगा रोहन मखानिया भाई की, आपने इसमें जो भाई इंजन आता है वो आता है भाई 2.2 लीटर का डीजल टर्बो इंजन जो पावर स्पेक्स प्रोड्यूस करता है 175 की BHP साथ में 400 Nm का टॉर्क। क्यों रोहन भाई? और वेट इसका है अप्रोक्सीमेटली 2200 kg। BRV भाई आज हमारे चैनल पे क्या ड्रैग पे आई गेस फर्स्ट टाइम आई है और ये ड्रैग भी फर्स्ट टाइम ऑन YouTube होने जा रही है। BRV की है भी नहीं ड्रैग, हाँ बहुत कम है या फिर है ही नहीं। और BRV भाई सेम ना होंडा सिटी वाले इंजन के साथ आती है 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जो पावर स्पेक्स प्रोड्यूस करती है अप्रॉक्सीमेटली 118 की BHP साथ में 145 Nm का टॉर्क। और भाई ये मैनुअल है और इसका लॉन्च बहुत अग्रेसिव होता है जैसे अपने होंडा सिटी वगैरह का होता है ना 145 Nm। हाँ और इसका वेट भी अगर हम बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलो के आसपास है, मतलब स्कॉर्पियो इनसे 1000 किलो कम। और कैटेगरी जिसमें आती है वो MPV होती है शायद से, हाँ SUV में तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि 7 सीटर है बट वो 7 सीटर अलग है, ये 7 सीटर अलग है आपको। हाँ भाई ये थोड़े ज़्यादा टेक्निकल पर्सन है ये मोबिलियो स्टेरॉइड्स है। हाँ और साइज से भी आपको पता लग रहा हो ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे नहीं है पर लाइव देखो ना तो लगता है कि काफ़ी डिफरेंस है। तो मेरे को तो देखो ये लग रहा है कि होंडा BRV ले जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा एग्रेसिव लॉन्च होता है इसका। बाकी एक बार बाकियों का ओपिनियन जानते हैं, आपको लग क्या रहा है भाई? भाई देखो अगर सही भागती होगी क्योंकि होंडा सिटी में तो वेट कम आता है, 1060 किलो आता है। हाँ। उसका पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, इसमें बढ़ गया 140 किलो, देखते हैं। और जो चलाएगा उसको कैसे हो भाई, क्या लग रहा है कौन सी जीतेगी? BRV भाई पुनीत हमारे BRV के ओनर, आपको स्कॉर्पियो लग रही है? स्कॉर्पियो है। अच्छा अतीशे भाई BRV, तो भाई अतीशे भाई को, मेरे को, क्षितिज भाई को लग रहा है BRV, रोहन भाई को कंफ्यूजन है और जो BRV के ओनर है उनको लग रहा है स्कॉर्पियन। बॉक्सर भाई आपको क्या लग रहा है? स्कॉर्पियन। तो भाई मिक्स्ड ओपिनियन है, कोई नहीं सारे ओपिनियन क्लियर हो जाएंगे वीडियो में, बने रहना आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोग आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। ट्रैक्शन ऑफ कर ले, जैप मोड है और AC ऑन है अभी। ओके अभी इतनी फुल पोटेंशियल पे नहीं कर रहा मैं भाई देखो अभी जैप मोड है, ट्रैक्शन ऑफ है, AC ऑन है, ठीक है नॉर्मल मोड है। मतलब हम शायद 3 जने होंगे, 3 जने नहीं 2 जने ही बैठो। अच्छा हाँ 2 जने है ना, जैप मोड, AC ऑन, ट्रैक्शन ऑफ, कोई मोड है ही नहीं उसमें, रॉ है वो तो। AC ऑन कर लो अभी। GoPro भी लग रहा, अरे पता ही नहीं लगा यार भाई। लॉन्च तो बड़ी सही होगी वो भाई, बनी हुई है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो गई आगे। ओ चौपर इतने चेहरे होते हैं, रूम तो सजा नहीं है ना, तू आ जा वाली जीत गई भाई। पर बनी हुई है रोहन भाई, वो पीछे नहीं हुई, अब हो रही है, अब हो रही है, पीछे पीछे ही होती रहेगी। हां बस ब्रेक ले रहे भाई, अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा, रिएक्शन मेरा लेट हो गया। ये तो है अपनी लॉन्चिंग लेट थी, दिखाई नहीं है पिलर के चक्कर में, डिले थी अपनी लॉन्चिंग, डिले हो गई इस चक्कर में। कोई नहीं एक राउंड करते हैं भाई, लॉन्चिंग डिले होगी पता ही लगा, ये पिलर के चक्कर में दिखाई नहीं। अच्छा। हाँ अब आराम करेगा ना, तब करते हैं। अब मैं जूम मोड डाल लेता हूँ, कोई नहीं अब मैं जूम मोड डाल लेता हूँ, AC ऑन ही रखो अभी, मेरे भी ऑन। अच्छा अभी तो हमारी जैप में भी थी, अब जूम पे आएगी ना। अतीशा भाई को बोलो वही करा दे, ऑफ करो।
अभी तो इसका डी एफ भी वो होती है कर कर टू वन ये अपनी लॉन्चिंग बिल्कुल साथ अब नहीं आएगी साइड मिरर में ही है बिल्कुल ज्यादा पीछे नहीं है पर पीछे तो पीछे ही है भाई बट बनी हुई है यार अरे ये आ रही है क्या अरे भाई ये आके से रही है ना भाई अरे आ गई ये तो ओ भाई ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो आ गई भाई ये तो 40 50 तक भी नहीं आ रही वेट कम है पर एक राउंड तू ड्राइवर तेरा होंडा पे हाथ सेट है अभी फेयर हुआ ही नहीं आपकी बारी स्वैप कर ले भाई को एक बारी एन में आने दे हां क्योंकि 2v2 एक बार भी फेयर नहीं हुआ आ जा एक बार तो फेयर करो 2v2 हां तो आ जा ना कहते हो दोनों राउंड में कोई ना कोई दिक्कत आज अब प्यारी लॉन्च ले लेता भाई आप एक बार उसमें आ दो मैं और आराम से तो भाई हम जाते हैं निकल के अतीशे भाई के साथ बीआरवी में क्योंकि उनको आदत है थोड़ी होंडा पे हाथ सेट है उनका वो 4th gen भी चलाते रहते हैं 5th gen भी चलाते रहते हैं तो उनका हाथ थोड़ा सेट है बीआरवी पे गैप बना ले हां गैप बना रहे हैं हां भाई हमें अब पता लग रहा है ये 6 स्पीड है हम लोग 5 स्पीड कर रहे हैं खोलो दरवाजा भाई ये 6 स्पीड है एक्चुअली में हां अरे वो एसी ऑफ कर एसी ऑफ कर ले मैं भी एसी ऑफ कर लूं ठीक है तो आप अपना फोन मेरे को पकड़ो नहीं आप मेरे को पकड़ो अब लॉन्चिंग हां ठीक है मेरे से ले लेना That's better. अच्छा बॉक्स आ रहा है। आगे आ जाओ मेरे को नहीं पता इस गाड़ी पे भरोसा नहीं है। हाँ डन। 3, 2, 1 ओ भाई ये अतीशे भाई का लॉन्च हो। आ गई भाई वो। नहीं। अरे अतीशे भाई। ओ भाई। ऐसी थोड़ी ना सब में अरे आ गई। अरे आ गई। After 120 शिफ्टिंग क्रेजी शिफ्टिंग ट्रेन में नहीं बुलाओ भाई अच्छा कोई नहीं ले लेना पर ये राउंड में अब ड्रैग में तो ये जीत गई 120 पे आपने क्रॉस करी है 120 पे आप साथ आए हो मतलब 140 चलो हाँ रोलिंग करनी है नहीं यहाँ से एक ड्रैग करो ड्रैग ही हाँ अरे ये गियर अटक गया हमारा गियर अटक गया हम जीत गए गियर अटक गया इसलिए रोक दी थर्ड अटक गया अच्छा यहीं से यू टर्न कर ले रोलिंग कर लेते हैं चलो हाँ या बैक ले लो बैक ले लो भाई फिर से कर रहे राउंड मैं कर रहा हूँ 3, 2, 1 3, 2, 1 साथ लॉन्च ओ विन डीजल अभी यार भी भाई गैप बना दिया बीआरवी ने और इस बार तो जीत गई ड्रैग भाई होंडा का कोई भी अगर एम्प्लॉय देख रहा है भाई को ब्रांड एम्बेसडर बना दो होंडा का एक 5th gen गिफ्ट कर दो एक अकॉर्ड V6 गिफ्ट कर दो ये वाला चीज सब अच्छा नहीं मेरी भाग ही नहीं दिक्कत कोई ये तो सही जीत गई भाग ही नहीं थी देखा नहीं तूने हां वही
गाइस आपने देख लिए होंगे सारे राउंड भाई, स्टार्टिंग के इनिशियल 4 राउंड से थोड़े कंफ्यूजन वाले थे, बट एंड में उन्होंने सिंगल सिंगल करी अतीश भाई रोहन ने, और उसमें क्लियर विनर ड्रैग रेस में स्कॉर्पियो एन आ गई। तो हम ड्रैग रेस का विनर स्कॉर्पियो एन को कंक्लूड करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड एंड पोटेंशियल तो ऑब्वियसली उसका कम वेट है, तो होंडा सिटी का ही होना चाहिए। बाकी भाई यही थी आज की कुछ ड्रैग, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को याद से लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी यही थी आज की कुछ ड्रैग, हम लोग आपसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।